हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे से होंगे। और दोस्तों, अभी मैं हूँ बिजनौर में। देख सकते हैं आप, ये उत्तर प्रदेश का शहर एक बिजनौर जिला। और देखिए, यहाँ से हम जा रहे हैं मेरठ के लिए दोस्तों। तो आज का सफ़र, आज की अपडेट पूरी रहने बिजनौर से मेरठ तक के लिए दोस्तों। तो हम रोडवेज बस में बैठ चुके हैं और किराया है इसका 94 रुपीज़। तो दोस्तों, अभी रोडवेज में जो मेरठ तक का किराया लग रहा है वो लग रहा है 94 रुपीज़, यानी कि 94 रुपीज़। तो चलिए, ये अक्टूबर के महीने का बात हो रही है और अभी हम निकल चुके हैं बिजनौर सिटी से बाहर। तो बिजनौर को हमने पूरा क्रॉस कर दिया है और बाहर आते ही देखिए नज़ारे कुछ ऐसे हैं। हरियाली दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ना मस्त वाली एकदम हरियाली है और हमारी साइड में ही नहर जा रही है। ये देखिए, ये नहर जा रही है गंगा में से निकल के दोस्तों, सिंचाई के जो काम आती है, देख सकते हैं आप। ये बड़ा मस्त लग रहा है, कार में होते ना तो आराम से रोक के यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाते, मस्त मज़ा आता, अच्छा लगता है यहाँ पे फोटो खिंचाना। और देखिए, यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं दोस्तों गंगा बैराज पे। देख सकते हैं आप, 3 गेट उस साइड है नहर के और 1 2 3। तो दोस्तों देखिए, इसमें गेट देखिए कितने हैं, देखते हैं कितने निकलते हैं अभी। तो 5 6 7 और मस्त लग रहा है भाई, गजब अल्टीमेट लग रहा है भाई। गंगा का जो रूफ है ना यहाँ पे विकराल, ये देखिए कितनी चौड़ाई में है गंगा दोस्तों। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई में है और दोनों साइड ही चौड़ाई है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम क्या, सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। एक बार मुझे फर्नागर से बिजनौर तक के लिए आया था और अभी बिजनौर से जा रहा हूँ दोस्तों मेरठ तक के लिए, आपको रोड की अपडेट देने के लिए और रोड कैसा है कैसा नहीं है, कुछ बना है या नहीं बना है, वो सब देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गेट नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं, 24 और 25 और 26 27 28, टोटल 28 गेट है दोस्तों गंगा बैराज में। ये चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज के नाम से फेमस है दोस्तों। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से भी एक, ये गंगा बैराज सा ने 3 साइड गंगा वो नहर जा रही है, मतलब एक पीछे की तरफ, एक इधर की तरफ और वो जो मेन गंगा है वो तो है ही। तो इसमें ना चारों तरफ एक तरीके से मान के चलिए कि गंगा निकल रही है। ये देखिए, यहाँ से भी सिंचाई के काम में आने वाला पानी जो नहर में जाता है वो जा रहा है। देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ना झाड़ बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत खड़े हुए हैं सड़क के पास में, मतलब पटड़ी पर नहर की, इसलिए पानी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक और दूसरी रोडवेज हमें ओवरटेक करते हुए, अपना ड्राइवर तो बड़ा स्लो है भाई, ड्राइवर क्या स्लो है, बस ही स्लो है, बस भी एकदम ख़त्म है, कंडम हो रखी है भाई, पता नहीं कैसे चल रही है, किन हालातों में चल रही है, ड्राइवर भी कहाँ से भगाएगा इसको। लेकिन चलो कोई नहीं, अब बैठ गए हैं तो मेरठ तक का सफ़र तो करना ही पड़ेगा इस बस में। तो देखिए दोस्तों, रोड बड़ा मस्त है, अल्टीमेट रोड है भाई, गड्ढे वड्ढे हैं थोड़े बहुत, लेकिन मीरापुर तक तो ये बढ़िया रोड है। मैं पिछली बार भी आया था जब मुजफ्फरनगर से, तो मीरापुर होते हुए आते हैं मुजफ्फरनगर से भी, तो रोड बढ़िया है। मुजफ्फरनगर से मीरापुर तक के लिए रोड एकदम ख़त्म हो रखा है, बिल्कुल पूरा तहस नहस हो रखा है, कुछ नहीं है भाई, गड्ढे ही गड्ढे हैं रोड में। लेकिन मीरापुर से बिजनौर के लिए रोड की कंडीशन थोड़ी अच्छी है, सिंगल लेन है वो तो सभी को पता है, 2 लेन है, मतलब बीच में डिवाइडर नहीं है, एक ही रोड है, लेकिन रोड की कंडीशन सही है, गड्ढे वड्ढे बहुत ही नाम मात्र के हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मोड़ मस्त है भाई, ज़बरदस्त बढ़िया लगता है ये रोड, इस रोड पे ना ये मोड़ आता है ना जब, ये गजब का है, एक ये वाला मोड़, एक सिमल एडी वाला जो मोड़ आता है वो ज़बरदस्त है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये रोड का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस रोड पर बनने के लिए, मीरापुर से बिजनौर के लिए, जो कि अंतर्गत आता है, पता नहीं किसके अंतर्गत आता है, अब नेशनल हाईवे 119 के आता है या फिर नेशनल हाईवे 709 AD, जो कि पानीपत से खटीमा के लिए जा रहा है, उसके अंतर्गत आता है। क्योंकि ये तो यहाँ पे आके तो कॉमन ही हो जाना है, तो कॉमन हो जाएगा तो फिर दोनों का ही हिस्सा मान के चलिए इसको, मीरापुर से बिजनौर तक के लिए। तो क्योंकि कॉमन है, मेरठ से आएंगे आप तो मीरापुर से फिर बिजनौर जाएंगे, और मुजफ्फरनगर से आएंगे पानीपत से आएंगे तो भी मुजफ्फरनगर होते हुए आप मीरापुर आएंगे और मीरापुर से फिर बिजनौर के लिए निकलेंगे। तो मीरापुर से बिजनौर तक के लिए कॉमन रोड है दोनों हाईवे की, ये मान के चलिए आप। अभी तो क्या मान के चलिए, यही है। और बिजनौर में वैसे बाईपास बनने वाला है, 5 किलोमीटर पहले से ही बाईपास निकाल दिया जाएगा ताकि बिजनौर के जाम में घुसना ना पड़े किसी को।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे अभी हम मीरापुर में पहुँच चुके हैं दोस्तों, और इधर से आप सामने से जा सकते हैं, आप राइट साइड से मुजफ्फरनगर शामली के लिए, और इसमें आप मिल सकते हैं नेशनल हाईवे 58 से दोस्तों, जो कि हरिद्वार और फिर आपका दिल्ली के लिए जाता है, और जानसठ से आप खतौली के लिए जा सकते हैं, कैराना के लिए जा सकते हैं, और फिर आपको पता ही है दोस्तों अपर गंगा कैनाल भी है यहाँ पे। और यहाँ से हम मुड़ चुके हैं लेफ्ट साइड में दोस्तों, ये मीरापुर का चौक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ मीरापुर मोड़ बोला जाता है एक्चुअली ये। और यहाँ से अभी हम मुड़ चुके हैं मेरठ के लिए, क्योंकि हमारी बस जाएगी बिजनौर से मेरठ के लिए, और गन्ने की कटाई वटाई स्टार्ट हो गई है दोस्तों, क्योंकि कुल्लू चल पड़े हैं। देखिए जबरदस्त भाई, अल्टीमेट यहाँ पे तो मजा आ रहा है भाई चलते हुए। दिल्ली यहाँ से 119 किलोमीटर है और मेरठ है 53 किलोमीटर और मवाना है 28 किलोमीटर यानी कि 28 किलोमीटर। तो पहले तो आएगा अभी तो मीरापुर ही आएगा दोस्तों, आगे मीरापुर जो शहर कस्बा है वो आएगा, उसके बाद फिर रामराज आएगा, उसके बाद आएगा मवाना, तो फिर आगे बजा के काफ़ी आगे है। तो जहाँ तक की वीडियो बनती है देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा लंबी होगी वीडियो तो हम इसको दो पार्ट में अपडेट कर देंगे, दो पार्ट में बनाएंगे इसको। तो देखिए रोड पे पेड़ ज़बरदस्त है, लेकिन ये है दोस्तों फोर लेन हाईवे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं 2018 से चल रहा है इसका टेंडर ही नहीं निकल पा रहा है, सर्वे वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन टेंडर निकलता है तो कभी कुछ अड़चने आ जाती है, कभी वन विभाग अड़चन आ जाता है, NOC नहीं देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसकी वजह से फोर लेन हाईवे लटका पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये काम चल रहा है दोस्तों, इस पर मैंने अपडेट दी भी है दोस्तों, मवाना से लेकर मवाना चौक से मवाना बाईपास से लेकर के और मेरठ तक के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और फिर मवाना से आगे बिजनौर तक ये दोस्तों हिस्सा है हस्तनापुर सेंचुरी का, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो हस्तनापुर के अंतर्गत आता है दोस्तों। और देखिए ये भी रोड है एक, ये रोड कहाँ जाती है पता नहीं भाई, मुजफ्फरनगर ही जाती है, जानसठ के लिए जाती होगी आई थिंक, अंदर के लिए जाती होगी, ये लोकल रास्ता होगा एक, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा था दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी हम मीरापुर से बाहर निकल चुके हैं और मीरापुर से हम जा रहे हैं मेरठ की ओर। तो दोस्तों अब यहाँ से मीरापुर से ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 119। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे यानी कि NH 119 पर, जो कि मेरठ से मवाना मीरापुर बिजनौर नजीबाबाद होते हुए कोटद्वार होते हुए जाएगा पौड़ी गढ़वाल तक दोस्तों, वैसे चाइना बॉर्डर तक जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आगे नजीबाबाद से आगे फिर पौड़ी में जाके मिल जाता है ऑल वेदर रोड से, और ऑल वेदर रोड चाइना बॉर्डर तक जा रही है दोस्तों हम उत्तराखंड को क्रॉस करते हुए, तो ये वहाँ पे जाके मिल जाएगा दोस्तों उसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है बहुत ही, और इसलिए फोर लेन हाईवे भी बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये फोर लेन हाईवे बन रहा है, और फोर लेन हाईवे बन रहा है दोस्तों, फोर लेन हाईवे बनने से जाम बहुत कम लगेगा इस रोड पे, जाम बहुत कम लगेगा तो टाइम भी बहुत कम लगेगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरठ से मवाना, मवाना से मेरठ से फिर बिजनौर, बिजनौर से नजीबाबाद आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, 90 मिनट का सफ़र हो जाएगा दोस्तों मेरठ से नजीबाबाद तक के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ की अभी लगते हैं 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं मेरठ से नजीबाबाद पहुँचने के लिए, तो सफ़र बहुत सुहाना हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है और जाम बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है क्योंकि रोड की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा कम है, इसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में ये फोर लेन हाईवे बन ही रहा है, तो फोर लेन हाईवे बन रहा है बढ़िया हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा एकदम पूरा का पूरा हाईवे, तो बढ़िया है। बीच में डिवाइडर भी दिया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेफ्ट वाले लेफ्ट में रहेंगे, राइट वाले राइट में रहेंगे, और जिसमें डिवाइडर नहीं होता भाई वो तो चाहे फोर लेन बना लो चाहे 10 लेन बना लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है रोड में। तो आजकल कुछ हाईवेज में डिवाइडर नहीं दिया जा रहा है तो वो बहुत गलत है, जैसे कि मेरठ से बागपत्ता के लिए जो हाईवे बन रहा है वो बहुत ही बस बन रहा है, नेशनल हाईवे 334B का नाम है वो दोस्तों उसका, लेकिन बीच में डिवाइडर नहीं दिया जा रहा है, सर्विस लेन नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे हाईवे का, तो बहुत ही गलत हो रहा है, वो तो अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंने उस पर भी अपडेट दिए दोस्तों, आई बटन में लिंक मिल रहा होगा आप देख लेना उस वीडियो को, लेकिन हाईवे बढ़िया बन रहा है। और हाँ दोस्तों इसमें ना दो मेरठ से बिजनौर तक के लिए दो टोल टैक्स होंगे,
तो भाई सफ़र थोड़ा सा महंगा होने वाला है, आप देख लो। तो कोई नहीं, सहूलियत मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, तो पैसा भी चुकाने में कोई हर्ज नहीं होता अगर अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो। क्योंकि पहला टोल दोस्तों इसमें होने वाला है मेरठ से बैसुमा के बीच में, उसकी अभी जगह तैयार नहीं की है, मतलब अभी कुछ पक्का नहीं है कहाँ पे होने वाला है, लेकिन हाँ मेरठ से बैसुमा के बीच में एक टोल प्लाजा जरूर होगा, और दूसरा टोल प्लाजा होगा दोस्तों बैसुमा के और बिजनौर के बीच में। तो उसकी भी अभी जगह नहीं डिसाइड की गई है कि कहाँ पे होने वाला है, लेकिन जहाँ भी होगा वो तो कुछ ही दिनों में अपडेट आ जाएगी। और देखिए दोस्तों ये रामराज आ गया है यहाँ पे, रामराज बड़ा अच्छा नाम। इस गांव का मैंने बस नाम नाम सुना था दोस्तों, गांव है पता नहीं कस्बा है ये तो मुझे नहीं पता, कंफर्म करना दोस्तों कमेंट करके, लेकिन हाँ कस्बा टाइप ही लग रहा है थोड़ा, सिटी वगैरह भी है, ऑन रोड है इसलिए भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। गांव अगर कोई ऑन रोड होता है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अपने आप ही तब्दील होने लगता है, उस शहर में शहर की ओर कन्वर्ट होने लगता है। तो देखिए दोस्तों अभी हम रामराज में हैं, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट रहेगा दोस्तों बिजनौर से रामराज तक के लिए, और दूसरा पार्ट रहेगा रामराज से मेरठ तक के लिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपडेट मैं पूरी दे नहीं पाऊंगा इस रोड के बारे में। तो अभी दोस्तों बिजनौर से रामराज के बीच में तो कोई काम स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि ये हस्तनापुर सेंचुरी के अंदर आता है, तो धीरे धीरे काम स्टार्ट होगा, शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म लग करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।